एंड अगेन हो सकता है ये वीडियो मुझे डिलीट करना पड़े अगर टीम में से किसी भी बंदे को ऑब्जेक्शन हो कि उनको क्रेडिट नहीं दिया, उनको ये नहीं दिया, उनको अलाना फलाना निगाना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को हो सकता है डिलीट कर दूँ कुछ टाइम बाद, तो जब तक है इस वीडियो को देख लो या फिर कहीं सेव कर लो। So what's up guys, welcome back to another vlog। बात है कुछ ऐसी, अभी वक्त हो रहा है 2:55 सुबह का, बट मैंने अभी अपना व्लॉग एडिट कर दिया। CSK की जीतने की इतनी ज्यादा खुशी और इतनी ज्यादा एनर्जी थी मेरे अंदर कि मैंने अभी एडिट कर दिया। मैक्सिमम 3:30 बजे तक मैं इसका थंबनेल वगैरह भी एडिट कर दूंगा, इसे अपलोड कर दूंगा। और आज रात को ही मैंने इसलिए एडिट कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि आज सुबह की तरह जैसे मैं लेट हो गया था उठने में, कहीं कल भी सुबह उठने में लेट हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आज ही रात को मैंने एडिट करके डाल दिया, अब आराम से कल सुबह उठेंगे। किसी ने ये व्लॉग नहीं देखा भाई ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी व्लॉग के कमेंट सेक्शन से 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारे 2nd एपिसोड की स्क्रीनिंग के लिए और आफ्टर पार्टी के लिए हमारे साथ, तो देख जरूर लेना। इसका लिंक आपको यहाँ कहीं आई बटन पे मिल जाएगा। फाइनली 3:41 पे अपना वीडियो अपलोड हो चुका है, मतलब एकदम रेडी टू बूम बूम बूम। अब आराम से सोऊंगा भाई बिना टेंशन के कि उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। घर में तो उठ जाता हूँ क्योंकि घर वाले भी उठ जाते हैं मेरे 5:30 बजे करीब, तो घर में आराम से उठ जाता हूँ, बट यहाँ थोड़ा रिस्की था। मिलते हैं कल सुबह। तो भाई जिस म्यूजिक वीडियो के बारे में आपको बता रहा था, जो कि मेरा एक कॉलेज प्रोजेक्ट था 7 साल पहले, मतलब 4th सेमेस्टर में था मैं उस टाइम पे, तो उस टाइम हमें एक कॉलेज प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमें एक म्यूजिक वीडियो बनाना था या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। हमारा 5-6 जनों का ग्रुप था, हम बैक बेंचर्स थे। तो बेसिकली हमारा क्या रहता था कि ऐसे जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स रहते थे ना, हम 1-2 दिन पहले बना लेते थे, क्योंकि कैमरा और एडिटिंग की हमें नॉलेज थी तो हमें पता था कि 1-2 दिन में हम ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते थे। तो इसमें जो गाना यूज़ किया गया है, और गाना ही नहीं उसका वीडियो, ये एक पंजाबी सॉन्ग है और हमने एज इट इज़ कॉपी करा है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि इस म्यूज़िक वीडियो को एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह ही देखा जाए। हमने इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस कैमरा के बारे में नॉलेज थी, एडिटिंग के बारे में नॉलेज थी और कॉलेज प्रोजेक्ट करना था, तो हमने ये म्यूज़िक वीडियो बनाया। तो इसको उसी हिसाब से देखना। बाकी हाँ, एक और पॉसिबिलिटी कि हो सकता है मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें 5-6 लोग इन्वॉल्व थे पूरी की पूरी टीम में, जिनमें से कुछ लोगों के साथ मैं कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। तो हो सकता है कि कोई भी ऑफेंड हो जाए कि उनको क्रेडिट नहीं दिया या उनसे पहले पूछा नहीं या कॉपीराइट उनको मिलना चाहिए था या उनको क्यों शो कर दिया वीडियो में, ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। ये वीडियो डालने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि ये एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, और ऐसा समझ लो पहली बार मैं उस टाइम कैमरे के सामने आया था। एंड आई बिलीव अनुभव थापा जिन्होंने इस वीडियो में कैमरा वर्क करा है उनके लिए भी ये काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि आई थिंक अनुभव थापा का भी ये पहला प्रोजेक्ट था जो उसने कैमरा से रिकॉर्ड किया था एज अ म्यूजिक वीडियो। तो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की भी क्रेडिट को छीनना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। एक कॉलेज प्रोजेक्ट था जो मुझे अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है मेरे आसपास वालों को, और उन सबकी रिक्वेस्ट में मोर ओवर आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी थी कि वो वीडियो आपको देखना है, तो उन सब रिक्वेस्ट के बाद ये म्यूजिक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो, देख लो। हार्प, हैवन यू गॉट रेडी येट? कम ऑन बेबी, यू नो इट्स योर बर्थडे टुडे एंड माय 2nd एनिवर्सरी।
कैसा लगा? आई जस्ट होप आपको ये म्यूजिक वीडियो पसंद आया हो। बाकी यार देखो, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि 7 साल पुराना म्यूजिक वीडियो है, उस टाइम आई वॉज एंटायरली अ डिफरेंट पर्सन। नेचर वाइज मैं कम्प्लीटली डिफरेंट था उस टाइम पे, और शायद से नेचर की वजह से फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो उस टाइम, जहाँ तक कि मुझे लगता है, मैं खुद को एनालाइज करता हूँ, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग थी मेरी वो बॉडी लैंग्वेज, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस लगता है मुझे अपने 7 साल पुराने वाले वर्जन पे और आज की डेट के वर्जन पे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता ही दोगे कि कैसा लगा आपको म्यूजिक वीडियो। एंड अगेन, ओरिजिनल सॉन्ग और उसका म्यूजिक वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाना कॉपी करना, वीडियो आइडिया कॉपी करना, ये सब आप मत देखना, एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह इस वीडियो को देखना प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अगेन, हो सकता है ये वीडियो मुझे डिलीट करना पड़े अगर टीम में से किसी भी बंदे को ऑब्जेक्शन हो कि उनको क्रेडिट नहीं दिया, उनको ये नहीं दिया, उनको अलाना फलाना निंगाना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को, हो सकता है, डिलीट कर दूं कुछ टाइम बाद। तो जब तक है, इस वीडियो को देख लो या फिर कहीं सेव कर लो। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक वीडियो तक सीमित था। आई जस्ट होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह मैं निकल रहा हूँ देहरादून। टाइम आ चुका है फैमिली से मिलने का और अपने नए नए पार्सल खोलने का वहाँ जाके। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।